एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट कुकिंग एंड ट्रेवल। तो आप देख सकते हैं आज है नेक्स्ट डे हमारा ऋषिकेश आने के बाद और हम आ गए हैं इस होटल में। बहुत ही सुंदर सा होटल है ये ऋषिकेश में, इसका नाम है गंगा किनारे। तो इनका एक बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है जल एंड जलेबी। इसका हमने बहुत ही अच्छा रिव्यू देखा है गूगल में, तो हम आ गए हैं यहाँ पे लंच करने के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का एम्बियंस वगैरह। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है अंदर का एम्बियंस, और यहाँ पे इन्होंने अंदर और बाहर दोनों ही जगह सिटिंग अरेंजमेंट करके रखा है। तो हम सोच रहे हैं हम बाहर जाके बैठेंगे गंगा किनारे, क्योंकि इसका नाम ही है गंगा किनारे, तो क्यों ना बाहर ही जाके बैठ के आराम से लंच करें, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ का एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत है। सामने है गंगा मैया और ऑपोजिट में हम बैठ के करेंगे लंच, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे आ रहा है ठंडा ठंडा हवा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे बैठ के लंच करने में आएगा बहुत ही ज़्यादा मज़ा, और नीचे का एम्बियंस और भी ज़्यादा सुंदर है, मैं आपको बाद में दिखाऊँगी आफ्टर लंच। तो पहले हम दे देते हैं ऑर्डर। आई थिंक दो थाली है ना सर? हाँ, हाँ? एक में दोनों के लिए सफेद, तो फिर दो क्यों ले रहे हैं? दो काफी है, कैसे लेंगे? नहीं, एक ले लेते ना, कम पड़ेगा तो फिर दूसरा ले लेंगे ना, फिर ऑर्डर नहीं मिलेगा, फिर ज्यादा हो गया तो एक थाली कर दीजिए साथ नाना और किसी को भी तुम्हें ना एक्स्ट्रा लेना मैच को नहीं ले। हाँ ठीक है, अच्छा आप दो ही कर दो भैया, आप दो ही कर दो। तो ऑर्डर हमने कर दिया है। ये एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ का मेन्यू बहुत ही ह्यूज है। और मैंने सुना है इनका गढ़वाली थाली बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि हम ऋषिकेश में आए हैं तो गढ़वाली थाली तो ट्राई करना बनता है। तो हमने गढ़वाली थाली ऑर्डर कर दिया है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ट्राई करने के लिए। और साथ में अभी थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वहाँ से आ रहा है ठंडा ठंडा हवा, और नीचे का आप देख सकते हैं व्यू और भी ज़्यादा सुंदर है। आफ्टर लंच हम नीचे जाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नीचे का व्यू, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ का जो एम्बियंस है बहुत सुंदर है। यहाँ पर बैठ के लंच करने में आएगा बहुत ही ज़्यादा मज़ा। जब भी हम कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं ना, तो मुझे वहाँ का जो लोकल खाना होता है ना, वो ट्राई करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि जो रेस्टोरेंट में नॉर्मली जो मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में जो भी खाना मिलता है, वो हर जगह ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। तो जो जगह में हम आए हैं वहाँ का जो लोकल फूड है, वो मुझे एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि मैं उसको घर में जाने के बाद ट्राई करती हूँ बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना गढ़वाली थाली ट्राई किया जाए, और इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो इसलिए हमने ऑर्डर कर दिया गढ़वाली थाली। और फिलहाल हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा बातें बातें कर रहे हैं और यहाँ का व्यू को एंजॉय कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ टेंपल वगैरह बना हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं। तो हमारा स्टार्टर्स आ गया है, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सर्व किया गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। तो मतलब मैं तो लग रहा है मैं देखती ही रहूं, खाऊंगी क्या, मैंने फोटो लिया और आप भी देखिए।
दाल होता है, मैं मेहनत की दाल उसका सूर में है, दाल सूर में। अच्छा, दाल की टिक्की है, ये दाल स्टफ पूरी है, ये इसके साथ खा जाता है। हाँ ये मैंने सुना है। नहीं, हम खाते हैं। तो पहाड़ों में एक दाल मिलता है जिसको बोलते हैं गहर की दाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। तो इस दाल को यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो इसी दाल से यहाँ पे जो इन्होंने सर्व किया है, ये है उसी दाल का सूप, साथ में उसी दाल का कुछ बड़ा या कबाब जैसा कुछ है। फिर उसी को पूरी में स्टफ करके वो पूरी बनाया गया है, और साथ में इन्होंने दो चटनी सर्व किया है, एक आई थिंक पुदीने का है और एक है कुछ भांग की चटनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है पहाड़ों में। आपने सुना होगा, मैंने तो ये पहले भी सुना था लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये चटनी, बहुत ही स्पाइसी, और बिल्कुल ये फूड ना बहुत ही ज़्यादा होमली है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मुझे इस तरह का होमली फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मतलब स्पाइसी टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो आपको इस रेस्टोरेंट में एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। इनका खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मतलब अभी तक तो मैंने स्टार्टर से ट्राई किया जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, होपफुली थाली भी बहुत ज़्यादा अच्छा ही होगा। तो फिलहाल इंजॉय करते हैं स्टार्टर्स को। तो अभी आ गया है हमारा मेन कोर्स, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही ह्यूज है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे ये थाली ट्राई करना था। पता नहीं मैं कितना खा पाऊंगी, लेकिन ये थाली देख के लग रहा है बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग। कितना ज़्यादा सुंदर तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है, आप देख सकते हैं, वाओ बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे है बहुत तरह की करीज, मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ आलू की सब्जी है जिसको वो लोग कूट कूट के बनाते हैं, छाछ है, दही है, राजमा है, ये कुछ पालक की है, पता नहीं कुछ तो पालक की सब्जी है, ये पनीर है, फिर ये है आलू की सब्जी, और ये जो है अरबी की सब्जी जिसको ड्राई ड्राई इन्होंने बनाया है, वो भी कूट कूट के बनाते हैं यहाँ पे, जो इन्होंने मुझे बताया। और ये जो राइस है, ये पहाड़ी राइस है, ये बहुत ही छोटा छोटा आता है, तो पहले मुझे लग रहा था कुछ साबूदाना जैसा है, लेकिन नहीं, ये पहाड़ी राइस, इन्होंने कुछ नाम बताया था, मैं भूल गई नाम, लेकिन लग रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाने में, मतलब बहुत ही टेस्टी है। तो साथ में दिया है घी, और साथ में दिया है घी और गुड़, तो खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही टेस्टी है, मतलब क्या बताऊँ, बिल्कुल ही होमली, मतलब बहुत ही लाइट मसाला है और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और मैं हर एक डिश को ट्राई कर रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें कौन सा मसाला दिया है, इन्होंने क्या कैसे बनाया, ताकि मैं घर में जाके ट्राई कर पाऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जो भी डिश मैं रेस्टोरेंट में ट्राई करती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ उसको घर में बनाने के लिए, और स्पेशली इस तरह का जो मतलब होमली स्टाइल खाना होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए मुझे ये यहाँ का खाना बहुत पसंद आया। और चलिए करते हैं इंजॉय इस खाने को, और आप लोग अगर ऋषिकेश आते हैं तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
इतना ह्यूज थाली है, मैं समझ नहीं पा रही थी कहाँ से शुरू करूँ। मतलब इतना कुछ है यहाँ पे, तो मतलब बहुत 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 ही ज़्यादा टेस्टी है। तो हम लोग तीनों इसको शेयर करके खाएंगे। हमने दो थाली ऑर्डर किया है, तो दोनों में से हम तीनों शेयर करके खाएंगे। और फाइनली अभी आ गया स्वीट डिश जो मेरी बेटी ने खाया। मैं तो स्वीट डिश ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो लंच पंच हो गया हमारा और चलिए थोड़ा घूम लेते हैं। तो हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे कुछ जंगल जैसा बनाया है, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और नीचे जाके हैं गार्डन, फिर है गंगा का जो एक्सेस है, आप बाहर जाके वहाँ पे वॉक वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। और नीचे आते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन बना हुआ है, जहाँ पे आप बैठ बैठ सकते हैं, यहाँ पे आप योगा वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे रखा है साइकिल, जिसको आप बाहर लेके साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर है ये यहाँ का एम्बियंस। मुझे लग रहा है ये होटल कम रिसोर्ट ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का जो एम्बियंस है ना वो बिल्कुल ही रिसोर्ट जैसा है, बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम बाहर जा रहे थे तो गार्ड ने बोला कि सामने ही एक प्राइवेट घाट है इनका, तो पहले हम वो देख लेते हैं। चलिए। और ये वॉक के लिए बट दोनों सिमिलर ही लगेगा ना देखने, हमें सिर्फ देखना है अलग कुछ। अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें घाट है खने। अच्छा गंगा नदी। वाव, ओ अच्छा है तो सामने। अच्छा देखो सामने जाओ ना, ये तो बहुत गहरा होगा ना। नहीं यहाँ तक 11 सीढ़ी है। अच्छा अच्छा बापरे, फिर भी यहाँ तक पानी है मतलब। तो देखो स्लिप कर बा, केयरफुल चेनटा धरे जाओ, बट एक हमें हाथटा दीते चाहिए। एक सेकंड हमें एक वीडियो नहीं ली। दिस इज अमेजिंग। ये बैलेंस ना कर पाए तो पापा हाथ जोड़े के डरते ना, लेकिन अभी तो आप देख सकते हैं ये है इनका प्राइवेट घाट, जो कि है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, जो मुझे पहले पता ही नहीं था, अभी आने के बाद पता चल रहा है। वाओ, तो यहाँ पे पंडित जी भी है, अगर आप बच्चे का मुंडन वगैरह कराना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब सब कुछ फैसिलिटी यहाँ पे किया हुआ है। और अभी हम आ गए हैं बाहर की तरफ, आप देख सकते हैं वाओ कितना सुंदर है यहाँ का व्यू। यहाँ पे इवनिंग को वॉक करना कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये लंबा स्ट्रेच आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हैं आप, यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। इन्होंने सब कुछ फैसिलिटी करवा के रखा है। और यहाँ पे शादी भी होती है, आप देख सकते हैं वहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि हम यहाँ पे क्यों नहीं रुके, क्योंकि बहुत ही सुंदर है ये होटल।
तो यहाँ पे घूम के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हमने थोड़ा बहुत वॉक किया, फिर हमने फोटो वोटो लिया और अभी हम निकलेंगे यहाँ से। तो होटल जाके हमें लेना है थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद हम निकलेंगे त्रिवेणी घाट के लिए क्योंकि वहाँ पे इवनिंग को होता है आरती। तो चलिए अभी चलते हैं होटल। तो मैंने आपको बताया ही नहीं हम कौन से होटल में रुके हैं। तो हम जिस होटल में रुके हैं उसका नाम है एलवी गंगा। तो चलिए चलते हैं और मैं करती हूँ इस वीडियो को यहाँ पे एंड। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर लेना है। ऐसे करने से मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।